की प्रतीति का कारण मुख्य रूप से अज्ञान बताया जाता है और इस अज्ञान के कारण जो द्वैत नजर आता है उसको मिथ्या कहा जाता है। लेकिन यह अज्ञान जिसको लेकर के हम द्वैत को मिथ्या कहते हैं, यह जो कारण है, हेतु है, क्या ये अज्ञान नाम की कोई वस्तु है, पहले इसका निर्णय किया जाए। तो भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने बताया कि अज्ञान नाम की कोई वस्तु थोड़ी है, वो तो केवल शब्द मात्र है। तो जिसका अपना अस्तित्व ही नहीं है वो अभाव किसका निर्माण कैसे कर सकता है। तो फिर सवाल ये आया, तो ये जो द्वैत की प्रतीति हो रही है, यह द्वैत अज्ञान का कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि अज्ञान अपने में ही नहीं है, तो कैसा होगा अज्ञान का कार्य। तो फिर ये जो संपूर्ण जगत में हमको दृष्टा, दृश्य और दर्शन इत्यादि द्वैत जो अनुभूत में आ रहा है उसकी क्या स्थिति है, तो उसका भगवान ने बताया, उसका एक ही कारण है, क्योंकि परमात्मा ही अनेकता में अभिव्यक्त होते हुए भी द्वैत की हानि को प्राप्त नहीं हो रहा, और इसीलिए इस संपूर्ण जगत में चाहे दृश्य के रूप में हो, चाहे दृष्टा के रूप में हो, चाहे दर्शन के रूप में हो, प्रत्येक अभिव्यक्ति परमात्मा की ही है, और इसीलिए इस जगत में कुछ भी मिथ्या नहीं। न पूरा समर सॉल्ट हो गया, इसीलिए दृश्य दृष्टि सी दिशे तरी सांच की दृष्टा असे आता नाही ते कैसे देखिले होय मुख दिशो का दर्पणी परी असने की तिये मुखपणी तरी जाली ते वायाणी प्रतीति की। जब हम अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं तो कहने के लिए तो द्वैत है कि हम दर्पण में देख रहे हैं, लेकिन दर्पण में हम किसी और को थोड़ी देख रहे हैं, माने वह द्वैत की अनुभूति जिसमें अद्वैत की हानि नहीं होती वही सत्य दर्शन है। द्वैत का अभाव सत्य दर्शन नहीं है। देखो ये जो दो दृष्टियों का झगड़ा है ना, सापेक्षता से संपूर्णता का दर्शन करने का प्रयत्न
हमेशा असफल रहेगा। और संपूर्णता से सापेक्षता का दर्शन करते हुए, सापेक्षता का दर्शन होने के बाद भी संपूर्णता में कहीं कमी नहीं आती, ये बात है। इसीलिए निद्रिस्त सुखासनी वाहिजे आन वहाणी तो साजकायते शनि दशा पावे। यदि कोई व्यक्ति नींद में कहीं घूम घाम के आया सपने में, तो गया थोड़ी है कहीं। उसी प्रकार से यदि हमने इस संपूर्ण जगत में द्वैत देखा, द्वैत का अनुभव किया, तो द्वैत का अनुभव करने से द्वैत है, ये बात गलत है। अच्छा, इस प्रकार से विचार करते करते हम 212वें ओयुक्त तक आए थे। उन्होंने पहले 210वें ओय में बताया था, तान्हि लया मृग तृष्णा न भेटलया शीर्ण जेसना माँ भेटलिया कोणा काय भेटले। यदि द्वैत में रहकर ये मृग तृष्णा, यदि यह मृग जल जो है मिराज वाटर्स, वो चाहे किसको मिले या न मिले, दोनों का अर्थ एक ही है। उसी प्रकार से द्वैत की अनुभूति होवे जागृत स्वप्न में, या द्वैत के अनुभूति का अभाव होवे सुषुप्ति में, दोनों का अर्थ एक ही है। कारण क्या कि द्वैत के सिद्धि के लिए अद्वैत की आवश्यकता, और द्वैत के अभाव के लिए भी अद्वैत की आवश्यकता। और इसलिए असली कल्प्रिट यदि कोई है इस संपूर्ण दुनिया में, तो परमात्मा ही है। और वह परमात्मा नित्य स्वरूप, इसीलिए उस तत्व के सिवा जगत में कुछ नहीं। तैसे दृश्य करोनिया ते दृष्ट्या ते दृष्टया दाउने धाडिले वाया दाविले पण ही। इस प्रकार से यहां बताते हैं कि ये जो दृष्टृत्व है, देखनापन, कि मैं दृष्टा बन गया, और ये दृष्टा बनने के कारण द्वैत हो गया, इसमें दृष्टे का होना, द्वैत का होना, न होना, इसका कोई मतलब नहीं संपूर्णता की दृष्टि से। कारण क्या, ते दृष्ट दृष्टाचे आहे मा दाविने कासा हे ना दाविजे तरी नोहे तया तो काही। यदि हम कहेंगे कि दृष्टा ने दृश्य को देखा, इसीलिए दृष्टा दृष्टा है, यदि दृश्य नहीं होता तो दृष्टा की सिद्धि कैसी होती। माने यहां क्या चक्कर चल रहा है कि दृष्टा के सिद्धि के लिए दृश्य की आवश्यकता, तो दृष्टा की सिद्धि दृश्य के कारण होने से दृष्टा दृश्य ये भेद वास्तविक है। लेकिन तत्व का दर्शन क्या है, यदि दृश्य नहीं है तो क्या दृष्टा का अभाव होता है, नहीं। यदि हम कहेंगे दृष्टा का अभाव होता है, तो उस अभाव को किसने जाना। इस प्रकार से दृष्टा दृश्य के द्वैत में भी जो दृष्टा है वो दृश्य से निरपेक्ष है। यह दृष्टा की दृश्य के साथ रहते हुए भी जो निरपेक्षता है, वह है अद्वैत तत्व। और इसीलिए यह दृष्टा दृश्य के द्वैत के कारण अद्वैत में किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती। आगे बताते हैं, ये बताने के लिए, आरसा पाहता राहे तरी मुखची वाया जाए ना तेने वीण आहे आपण पेची। यदि कोई कहे कि हम अपना मुख देखते हैं हमेशा दर्पण में, क्योंकि हम अपना मुख नहीं देख सकते, क्या करें, तो ये कहेंगे क्या, क्योंकि हम अपना मुख दर्पण में देख सकते हैं, तो जब तक दर्पण है तब तक हमारा मुंह है, और जहां दर्पण चला गया बिचारा मुंह गायब नहीं। उसी प्रकार से दृष्टा और दृश्य, इसका जो विचित्र संबंध है कि दृष्टे का होने से दृश्य दिखता है, तो और इसीलिए ये कल्पना करें कि दृश्य नहीं तो दृष्टा गायब नहीं, जैसे हम और अपना चेहरा आईने में। न दाविजे तरी नोहे तया तो काही, और आरसा पाहता राहे, जब आईना है तब हमने अपने मुख को देखा, माँ दावणे कासा है, फिर सवाल ये है कि हमने अपने मुख को देखने से क्या द्वैत निर्माण हुआ। फिर आगे बताते हैं, ना तेने विड़ा आहे आपण पणेची। यदि आईना न होता
और यदि हमारे मुख का प्रतिबिंब नहीं होता तो क्या हमारा मुख नहीं होता। उसी प्रकार से चाहे द्वैत हो चाहे द्वैत का अभाव हो, द्वैत के होने न होने से जिसके सिद्धि में कोई हानि नहीं होती वह अद्वैतत्व मैं हूँ। इसमें ना तो द्वैत के कारण अज्ञान की कल्पना करने की आवश्यकता है और ना तो द्वैत के अभाव के कारण अज्ञान के नाश की कल्पना करने की आवश्यकता है। जो है ही नहीं उसका क्या नाश करेंगे। ऐसा तैसे आत्मया ते आत्मया न दाविची पै माया तरी आत्मा वावो की वाया तेची ना की। ये 215 भी जो ओवी है उसमें बहुत सुंदर तत्व का निरूपण करते हैं। इसके बाद के जो 7-8 ओविया है उसमें अज्ञान के अस्तित्व को किस प्रकार से अनावश्यक है ये बताया है। इसमें कहते हैं 215 ओवी में तैसे आत्मया ते आत्मया न दाविची पै माया। वैसे देखा जाए आत्मा दृष्टा और आत्मा दृश्य ये होने का कारण मालूम है क्या है। कहते हैं माया। भगवान कहते हैं अरे भाई माया के कारण दृष्टा दृश्य नहीं दिखता, क्योंकि परमात्मा तत्व है इसीलिए दृष्टा दृश्य की सिद्धि है। ये जो दो विचार है इसमें महत्व की बात यह है, एक उदाहरण हमने आपको पहले दिया था हम आपको फिर देंगे। यदि कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है और किसी से टकरा करके नीचे गिर जाता है तो उसका विश्लेषण करने को बतावे कि आदमी क्यों गिर गया नीचे, तो कोई कहेगा अंधेरे के कारण, कोई कहेगा कि वहां फर्नीचर लगा था दिखा नहीं इसलिए टकरा करके गिर गया। लेकिन दोनों उलट उत्तर गलत है। असलियत क्या है, क्योंकि वो जिंदा था खड़ा था इसलिए गिर गया। यदि जिंदा भी नहीं होता खड़ा भी नहीं होता तो काहे को गिरता। इसी प्रकार से इस जगत के द्वैत को लेकर के जब हम द्वैत के तरफ हमारी दृष्टि होती है तब हम अद्वैत को भूल जाते हैं। इसलिए यहाँ भगवान का यही मुख्य प्रयोजन है। तैसे आत्मया ते आत्मया न दाविची, जब हम अपने स्वरूप को अपने स्वरूप में नहीं देखेंगे पई माया, लेकिन माया द्वैत निर्माण करती है। तरी आत्मा वावो की वाया, तो क्या ये कहेंगे द्वैत का आधार माया है परमात्मा नहीं है, तो परमात्मा बेकार ही है क्या, ये माया जगत को निर्माण कर रही है। इस प्रकार से उन्होंने माया या अज्ञान इसका संपूर्ण निराकरण कर दिया। देखो जब हमारी दृष्टि तत्व पर होती है, माने जब हम परमात्मा के दृष्टि से जगत की क्या स्थिति है ये समझना शुरू करेंगे तब देखेंगे सभी समस्याओं का हल हो गया। अब देखो ना, इस जगत को भगवान देख रहा है और इस जगत को हम भी देख रहे हैं, हम दोनों के दृष्टि में क्या फर्क है, यही एक फर्क है। हम संपूर्ण जगत को सापेक्षता के दृष्टि से देखते हैं और सापेक्षता का जगत परमात्मा संपूर्णता की दृष्टि से देखता है। ये दृष्टियों का भेद ही सब कुछ निर्माण कर देता है और ये सापेक्षता की दृष्टि इसलिए हम महत्व देते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि अभी परमात्मा पर नहीं टिकी। आपण पे दृष्टा न करीता ऐसे पैठा आता जाला ची दिठा का करावा। तो ऐसा जो दृष्टा है आपण पे दृष्टा न करीता ऐसे पैठा, यदि उसको दृश्य देखने को नहीं मिला, मैं दृश्य देखने के कारण दृष्टा हूं, यदि दृश्यों को हटा दिया तो क्या मैं गायब हो गया, नहीं, मैं तो दृश्य के भाव और दृश्य का अभाव इन दोनों को प्रकाशित करने वाला होने के कारण दृष्टृत्व मुझ पर अध्यारोपित किया गया है, लेकिन दृष्टा के रूप में भी मैं ही हूं क्योंकि मैंने उस समय उपाधि का साथ ले लिया था और उपाधि हटा दी फिर भी मैं ही हूं। इस प्रकार से जब हमारे दृष्टि में यह तत्व का प्राधान्य आने लग जाएगा तब यह अज्ञान अज्ञान का कार्य द्वैत द्वैत का दुख इत्यादि अपने आप समाप्त हो जाएगा। एक उदाहरण दे, जब हम हेल्दी रहते हैं तब तो हमको समझ में आता है कि मैं परमात्मा स्वरूप हूं, थोड़ा इधर उधर कहीं दर्द होने लग जाए तो मैं दर्दीला हूं,
अरे महाराज, हेल्थ और दर्द इन दोनों को जो आधार दे रहा है वो ना तो हेल्दी है ना तो अनहेल्दी है। अब इस तत्व की तरफ जिसकी दृष्टि जाएगी वो हेल्दी होने के कारण एकदम गावा पहलवान नहीं बनेगा, और जो अनहेल्दी है उसके कारण दुखी नहीं बनेगा। देखो सभी साधु संतों को कितने भिन्न भिन्न प्रकार के रोग आते हैं, और हम लोगों को भी रोग आते हैं, लेकिन हम लोग साधु संत नहीं बनते। दोनों में कॉमन तो है रोग आना, लेकिन साधु संत रोग आने के बाद भी साधु संत ही रहते हैं, और हमको रोग आने के बाद हम रोगी बनते हैं। कारण क्या है? कारण केवल यही है, जहां इस दृष्टि की प्राप्ति हो गई इस दुनिया के सब चक्कर अपने आप ठिकाने पर लग जाते। इसलिए आपण पे दृष्टा न करिता असे पैठा आता जाला चीजिठा का करावा। तो ऐसे स्वयं सिद्ध आत्म तत्व को सिद्ध करने के लिए और किस प्रमाण की आवश्यकता है? अब जरा इसको सूक्ष्मता से सुनना संतो। हम है, अब क्या करोगे? कल हम बता रहे थे किसी को, जब जा रहे थे कार में तो हमको किसी ने पूछा कि स्वामी जी आप रियलाइज है क्या? हाय क्या करना कर लो। अरे महाराज, रियलाइज होके करोगे क्या? और रियलाइजेशन माने क्या? अब हम है इसमें और करना क्या है? कुछ नहीं करना। इसलिए अपने होने में किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अपने ज्ञानी होने में और बेवकूफ होने में प्रमाण की आवश्यकता है, है ना? अपने ज्ञानी होने में आवश्यकता है लोगों का सर्टिफिकेट, है ना? और अपने बेवकूफ होने में आवश्यकता है आईने की, है ना? लेकिन अपने होने में किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो किसी प्रमाण का विषय नहीं है, जिसके कारण सभी प्रमाणों की सिद्धि होती है, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। यह जो तत्व है, आपण पे दृष्टा न करिता असे पैठा। यदि समझो एक व्यक्ति है, समझो पति है, और जब पत्नी साथ में रहती है तो पति है, और पत्नी मायके चली गई, वो तो वैसा के वैसा ही है, पहले भी वैसा था अभी भी वैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ा उसको, पत्नी को ही लगता है कि ये हस्बैंड है, लेकिन वैसे होता कुछ नहीं। आपण पे दृष्टा न करिता असे बैठा आता जालाची दिठा का करावा। तो जो जालाची, जो स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध करने के लिए क्यों प्रयत्न करे? माने क्या? जब हमारे जीवन में प्रयत्न का शैथिल्य स्वाभाविक हो जाता है, तब हम तत्व के साथ एक हो गए। अब उदाहरण के लिए हम जब बोल रहे हैं तो आपको सुनने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, और जब हम बोल रहे हैं तो समझने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन हम जब शांति को सुनते हैं, साइलेंस, उस समय हमको क्या प्रयत्न करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता। उसी प्रकार से जब हम है तो इसमें क्या प्रयत्न करके समझना है कि हाँ मैं हूं, रियली हूं, बिल्कुल पक्का हूं? नहीं, प्रयत्न रहित अस्तित्व ही अपना स्वरूप है। अच्छा, नाना मागुते दाविले तरी पुनरक्त तेची झाले येने बोले गेले दावणे वृथा। या दूसरे प्रकार से विचार करें, 217वीं ओवी में कहते हैं कि मागुते दाविले ते पुनरुक्त तेची जाले। दृष्टा की सिद्धि दृश्य के कारण है, ये कहा। अच्छा, यदि दृश्य नहीं है तो क्या दृष्टा गायब हो गया? नहीं, दृष्टा ज्यों का त्यों है। माने जो पहले था
दृश्य का व्यापार होने के कारण उसको दृष्टा नाम दे दिया, और फिर दृश्य खत्म होने के बाद फिर जो का त्यों है, ये विचार छांदोग्य उपनिषद के प्रथम मंत्र का है। सृष्टे हे पुरा, इस सृष्टि के पूर्व आत्मा मात्र था, सृष्टि माने द्वैत, तो इस जगत के पूर्व एक ही एकमेवा द्वितीय वस्तु, जगत में भी एकमेवा द्वितीय वस्तु, और जगत के नाश के बाद भी एकमेवा द्वितीय वस्तु। तात्पर्य क्या निकला कि पहले था और बीच में द्वैत आ गया, द्वैत का निराकरण होने के बाद फिर अद्वैत की सिद्धि हो गई। ये नहीं बोले गेले दावणे वृथा, इसके द्वारा बीच में जो द्वैत की बात करी है वो वृथा है, वो व्यर्थ है। कारण क्या, तत्व का महत्व है, बीच में द्वैत आया गया इसका कोई महत्व नहीं। मांडुक्य कारिका के अनुसार आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा, जो वस्तु प्रारंभ में नहीं होती है और अंत में नहीं होती है, बीच में यदि थोड़ी देर के लिए अपीयर होती है तो वो नहीं होती, उसी प्रकार से द्वैत का आना जाना इसका महत्व नहीं है, और द्वैत के होने न होने में अज्ञान का या माया का कहीं भी सहयोग नहीं है। एक ही तत्व है जो अनेकता को प्राप्त होते हुए भी अनेक नहीं बनता। इसीलिए दोरा सर्पा भाषा साचपणे दोर का जैसा दृष्टा दृश्या तैसा दृष्टा साचु, जैसे सर्प और रस्सी, इसमें जो सर्प है वो आभास है, लेकिन चाहे आप आभास कहो चाहे रस्सी कहो, इन दोनों में सत्य क्या है? सत्य ना तो रस्सी है ना तो सांप है, दोनों की सिद्धि होती है दृष्टा के कारण। यदि दृष्टा ही नहीं होगा तो काहे का सांप और काहे की रज्जू, काहे की रस्सी। इसी प्रकार से इस जगत के सभी भ्रांतियों का अधिष्ठान केवल एक तत्व है और वही सत्य है, और उसमें किसी भी प्रकार से ना तो अज्ञान का प्रसंग है, और यह संपूर्ण जगत भी अज्ञान के कारण निर्माण नहीं हुआ, यह एक ही परमात्म तत्व का उल्लास है। दर्पणे आनी मुखे मुख दिशे हे न चुके परी मुखी मुख सतुके दर्पणे नाही, ये सिद्ध करने के लिए उन्होंने दो उदाहरण दिए, एक तो सांप और रस्सी का और दूसरा दिया अपने मुख का। तो अपने मुख को दर्पण में देखेंगे तब हम उसको नहीं भूलेंगे, लेकिन यदि दर्पण में मुख को नहीं देखेंगे तो क्या मुख अपने में नहीं रहता? उसी प्रकार से द्वैत का होना न होना इसके ऊपर अद्वैत के सिद्धि की कोई हानि नहीं। तैसा दृष्टा दृश्या दो हो साज की देखता ठाओ मनोनी दृष्ट तैवावो देखिले जरी, और इसीलिए दृष्टा और दृश्य इन दोनों के रूप में केवल एक ही तत्व की अभिव्यक्ति हो रही है। अब इस पर हम थोड़ा विचार करेंगे इस प्रकार से कि इस जगत को जब हम गलत प्रकार से देखना प्रारंभ करते हैं, कैसे गलत प्रकार से देखना प्रारंभ करते हैं, जब जगत के वस्तु व्यक्ति और अनुभव इनका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होता है, तब हमारी दृष्टि जगत के वस्तु व्यक्ति और अनुभव वहां फंस जाती है। उदाहरण के लिए समझो हमारी दृष्टि इस फूल में फंस गई है, दृष्टि फूल में फंस जाने के बाद क्या क्या होता है, हम इस फूल के बारे में जानना शुरू करेंगे, और फूल के बारे में जानना शुरू करेंगे माने इस फूल को जानने के लिए किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है, तो हम आकर के अपने ज्ञानेंद्रियों में अपने आप को बंधन में डाल दिए, और उसके बाद इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा परिच्छिन्न दर्शन होने के कारण हम ये समझेंगे कि ये वस्तु इतनी मात्र है, इससे ज्यादा नहीं है, और इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु का दर्शन होगा, और इसके द्वारा धीरे धीरे द्वैत की सिद्धि हो जाएगी। अब साधक के जीवन में भगवान ज्ञानेश्वर महाराज की जो दृष्टि ये है कि हम ये जो फूल को देख रहे हैं, इसको देखते समय ये देखो कि महत्व का कौन है, देखा गया महत्व का है कि देखने वाला महत्व का है,
अब यदि हमारे अंतकरण में ये भावना जागृत हो जावे कि किसी भी दर्शन में दृष्टा महत्व का होता है, तो हम क्या करेंगे, दृश्य वस्तु का अपने आप त्याग हो गया, उसके बाद दर्शन का महत्व समाप्त हो गया और दृष्टा एक सबसे ज्यादा महत्व का भाग हमारे जीवन में हो गया। अच्छा, अब ये होने के बाद फिर अगली स्टेप बताते हैं कि जब हम इस दृष्टा का विश्लेषण करना प्रारंभ करेंगे तब हम दृष्टा के स्वरूप को पकड़ लेंगे। यहां आने के बाद थोड़े और आगे जाएंगे, जब हमने अपने स्वरूप का दर्शन कर लिया उसके बाद फिर वापस आएंगे इस जगत में और देखेंगे कि ये दृश्य पदार्थ की स्थिति क्या है, तब पता चलेगा दृश्य पदार्थ का अस्तित्व दृष्टा के कारण है और इसीलिए जो दृष्टा अस्तित्व स्वरूप है वही दृष्टा अपना अस्तित्व इस दृश्य पदार्थ को दे रहा है। इस प्रकार से दृष्टा दृश्य का व्यापार होते हुए भी अद्वैत में कहीं भी हानि नहीं हुई, ये अल्टीमेट अनुभव हो जाता है। और इसीलिए इन तीनों चीजों को स्पष्ट समझ ले, जगत के दृश्य को लेकर के उनके पीछे दौड़ने लगेंगे तो फंस गए। अपने दर्शन माने एक्सपीरियंसेस अनुभव इसी को लेकर के उसी में फंस जाएंगे तो हम तत्व से दूर हो गए। तो पहली स्थिति यह है दृश्य दर्शन का प्रभाव कम करे, दृष्टा को पकड़े और फिर दृष्टा का स्वरूप अन्वेषण करे। दृष्टा का योग्य स्वरूप निर्णय होने के बाद फिर उस ज्ञान के द्वारा जगत में फिर प्रवेश करे, तब पता चलेगा कि दृष्टा दृश्य और दर्शन इन सब में एक ही तत्व है और इस एक तत्व में कभी भी दृष्टा दर्शन दृश्य इस त्रिपुटी के कारण ना तो भेद निर्माण हुआ है ना तो भेद निर्माण हो सकता है। यही एक छोटी सी बात है, जैसा हमने कितने बार आपको बताया कि जब हम अपने ही शरीर की तरफ हाथ की तरफ देखते हैं तब भी त्रिपुटी होती है, मैं देखने वाला, मेरा हाथ देखा गया और देखने की प्रक्रिया, ये त्रिपुटी और एक पुष्प को हम देखते, ये त्रिपुटी, इसमें फर्क क्या है, केवल एक ही फर्क है, यहां द्वैत का दर्शन होते हुए भी दूसरेपन का अनुभव नहीं है। When the perception of differences does not create a sense of differentiation, that is अद्वैत अनुभूति। इसीलिए भगवान की ये बात ज्ञानेश्वर महाराज की बहुत सॉलिड है, इस जगत में द्वैत के दर्शन से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस चीज की है द्वैत के दर्शन में भी अपनी अद्वैत की दृष्टि बनी रहे, यही जीवन मुक्त के लक्षण है। जैसे भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में ये बात बताते, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जो एकमेव तत्व कठोपनिषद में ये मंत्र आता है, वहां बताते हैं कि नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराहा शांति तेषां शाश्वतीं नेतरेषां, जिसमें अनेकता में एक का दर्शन किया है, माने अनेकता का दर्शन होने में कोई हानि नहीं है। दूसरा उदाहरण, पंचम अध्याय में भगवद गीता के भगवान कहते हैं कि शक्नोति हैव यः सोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भव वेगम स मुक्तस सुखी न रहा, जो व्यक्ति अपने जीवन में मरने के पहले प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध का आवेग सह सकता है, तात्पर्य क्या, काम क्रोध का मन में या अंतकरण में आना इससे कोई नुकसान नहीं है, वो तो उसका धर्म है। सवाल यह है क्या उस काम क्रोध के द्वारा हम प्रभावित होते या नहीं, ये महत्व की बात है। उसी प्रकार से अनेकता का दर्शन करने में कोई हानि नहीं है, यदि हमने 25 सुवर्ण के आभूषण देखे तो उसमें क्या नुकसान हुआ, कुछ नुकसान नहीं हुआ। जैसे हमने पहले देखा ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा था
कि यदि अद्वैत की इन्वेस्टमेंट खत्म ना होवे और द्वैत का यदि इंटरेस्ट मिल जावे तो ऐसा क्यों ना करे। इफ यू रिमेंबर, पहले भगवान ने स्पष्ट कहा है कि यदि अद्वैत की इन्वेस्टमेंट बकरार रहे और ऊपर से द्वैत के व्यापार का हमको लाभ हो जाए, इंटरेस्ट मिले, व्हाट इज रॉन्ग। इसीलिए नौवा, दसवां, ग्यारहवा इन तीनों अध्याय में इस तत्व का प्रतिपादन हुआ है। नौवे अध्याय में भगवान बताते हैं पश्चिमी योगमेश्वरम, वहां चौथे और पांचवें श्लोक में बताते हैं कि मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि नच अहम तेषु अवस्थितः नच मस्तानि भूतानि पश्चिमे योगमेश्वरम। नौवे अध्याय में बताते हैं देखो मेरा योग और ऐश्वर्य, योग क्या है, मैं हमेशा एकमेवा द्वितीय रहता हूँ, और ऐश्वर्य क्या है, मजाक में अनेक हो जाता हूँ, और फिर भी मेरे इस ऐश्वर्य में मेरे योग की हानि नहीं होती। इसीलिए दसवें अध्याय में कहते हैं एताम विभूतिम योगम च एवं यो पश्यति तत्वतः सहा अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो व्यक्ति योग और विभूति इसको तत्वतः जानता है उसके जीवन में अविकम्प योग माने किसी भी प्रकार का डाउट नहीं आता। और इसी विभूति को, ऐश्वर्य को दसवें अध्याय में बताया और उस योग की स्थिति को ग्यारहवें अध्याय में बताया। इस प्रकार से इस संपूर्ण जगत में द्वैत जो है वो इस अद्वैत तत्व की अभिव्यक्ति है, अज्ञान का कार्य नहीं है। ये महत्व की बात है, नहीं तो हमेशा अज्ञान के पीछे लगेंगे, चलो अज्ञान का नाश करना है। अरे संतो, अज्ञान का नाश करो तब, जब अज्ञान होगा तब ना। देखो पूरा समय हम अपने जीवन में इसी चक्कर में लगाते हैं कि नाउ आई मस्ट डिस्ट्रॉय माय इग्नोरेंस, टेक हाथ में डंडा और मारते जाओ, एक हाथ अपने ऊपर पड़ जाता है फिर याद आती है। इसीलिए तैसा दृष्ट दृश्या दोहो साचकी देखता टावो मनो नी दृश्य तैवावो देखिले जरी। और इसीलिए दृश्य को देखने के बाद भी दृष्टा में कोई भी परिच्छिन्नता नहीं आती। और एक बड़ा सुंदर विचार समझ के लेना, जब द्वैत का व्यापार चल रहा हो और इस द्वैत के व्यापार में हमारा अनुभव प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हो रहा हो तो समझ लेना कि इस द्वैत के व्यापार में अद्वैत की सिद्धि हो रही है। जैसे हम अपने हाथ को देखते हैं तो द्वैत का व्यापार हो रहा है, देखने वाला मैं, देखा गया हाथ। लेकिन जब हम अपने हाथ को देखते हैं तो कितना प्रेम उभर के आता है, अरे कितना सुंदर है, इसके जैसा तो कोई है ही नहीं पूरे जगत में। यदि हाथ किसी का हो तो केवल मेरा, और वो सहस्त्र बाह हो कितने, मेरा हाथ बड़ा सुंदर है। तो जिस द्वैत में प्रेम की स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है उस द्वैत में अद्वैत की सिद्धि होती है। आप देखो महाराज, यदि हमारा इस जगत में सबके साथ व्यवहार होते हुए होते समय सहज प्रेम होने लग जावे। अच्छा, सहज प्रेम होना माने क्या, माने जिसके साथ प्रेम होता है उसके दोष नहीं दिखते, जिसके साथ प्रेम होता है उसके साथ ऊब नहीं जाते, जिसके साथ प्रेम होता है वहां ऑकवर्ड फील नहीं होता। कभी अपने को ऑकवर्ड फील होता है क्या, खुजली आई, आई डोंट नो व्हेदर आई शुड डू और नॉट, व्हाट हैंड विल फील, देखो द्वैत में अद्वैत का आनंद जब आने लग जाता है तब अद्वैत की सिद्धि हो गई, और जब अद्वैत में रह करके द्वैत का डर खत्म हो जाता है तब अद्वैत की सिद्धि हुई। नहीं तो हमेशा भागो, द्वैत आ रहा, क्यों, हम तो अद्वैत है, ऐसे डरपोक अद्वैत क्या काम का।
तैसा दृष्टा दृश्या दोहो साचकी देखता ठावो मनोनी दृश्य तय वावो देखिले जरी। इसीलिए द्वैत की अनुभूति होने पर भी ये द्वैत का कोई मतलब नहीं, क्यों कि एक तत्व ही अनेकता में उपलब्ध हो रहा है। अब इसके बाद किसी भी प्रकार से अज्ञान नहीं हो सकता ये सिद्ध करते हैं। 221 में कहते हैं वावो कीर होए तरी दिसते तवा है ये ने बोले होए आथी ऐसे तरी आन आनाते देखोनी हो ये देखते तरी मानुते ये देखिले ऐसे। 221 में कहते हैं भगवान, हम आपको अंग्रेजी में पढ़ेंगे। जब हमने ऊपर की बात कही तो इट इज एविडेंट दैट द सीन मे बी मीनिंगलेस, जो दृश्य है वो भले मीनिंगलेस हो लेकिन है तो सही। तो यदि मीनिंगलेस भले हो लेकिन है तो सही, तो जो द्वैत के रूप में उपलब्ध है उसका कोई ना कोई कारण तो होना ही चाहिए, और इसीलिए ये द्वैत मीनिंगलेस होते हुए भी अज्ञान के कारण ही निर्माण हुआ है, और इसीलिए द्वैत का होना अज्ञान को सिद्ध करता है। इसको कहते अज्ञान निष्ठा। अब जिसकी निष्ठा ऐसी है उसको क्या करे। अब 222 में उसका उत्तर देते हैं तरी आन आनाते देखो नी हो या देखते, एक ने जब दूसरे को देखा तब दूसरे की सिद्धि होती है। दृष्टा ने दृश्य को देखने के कारण दृश्य की सिद्धि हुई, और दृश्य है ये कहने से दृष्टा की सिद्धि हुई। तो दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तरी आन आनाते देखो नी हो ये देखते तरी मानु ते ये देखिले ऐसे। अब ये बता दृष्टा के कारण दृश्य की सिद्धि हुई कि दृश्य के कारण दृष्टा की सिद्धि हुई। हम कहेंगे दोनों के कारण दोनों की सिद्धि हुई। तो ये तो कहो दोनों सत्य है या दोनों असत्य है। दोनों को असत्य नहीं कह सकते क्योंकि दृष्टा के रूप में हम है, तो सिद्ध क्या हुआ फिर, दृष्टा उतना ही सत्य है जितना दृश्य सत्य है। और यदि दृश्य सत्य है तो इस सत्य का तिरस्कार हम कभी नहीं कर सकते। तो एक बात हम आपको बताएंगे, हाँ ये जो विचार है ये विचार क्लिक नहीं होता जल्दी क्योंकि बहुत ही सिंपल है। इसीलिए देखो कैसा है, एक तो है दूसरेपन से ग्रहण करना माने दृष्टा दृश्य का भेद होना, लेकिन दूसरेपन की भावना न होना। दो बात, जब दूसरेपन की भावना नहीं होती तब हम सत्य के साम्राज्य में हैं, जब दूसरेपन की भावना होती है तब हम सत्य के साम्राज्य से पदच्युत हो गए हैं। द सेंस ऑफ अदरनेस इज द कल्प्रिट फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स एंड दिस सेंस ऑफ अदरनेस इज नॉट द रियालिटी, द रियालिटी इज द वन विच इज सपोर्टिंग इवन द सेंस ऑफ रियल अदरनेस। इसीलिए अपने जीवन में जब तक के दिस सेंस ऑफ अदरनेस दूसरेपन की भावना रहेगी तब तक के काम क्रोध लोभ सब ज्यों का त्यों बना रहेगा। अच्छा महाराज आगे जाकर के कहते हैं ये थे देखोनी कान देखोनी ऐक्य का नाना होनी परिहायेणे वाचुनी देखने असे। और असलियत ये है ये थे देखोनी कान न देखोनी, चाहे दृष्टा देखे दृश्य को या न देखे, ऐक्य का नाना होनी चाहे वो योग की स्थिति में रहे या ऐश्वर्य माने अनेकता को प्राप्त हो जावे परिहा येने वाचुनी देखने असे। परंतु तत्व
इन दृष्टा दृश्य का भेद उसका होना न होना इसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार से जब हम इस तत्व का दर्शन करेंगे तब कहीं हमारा दर्शन ठीक हुआ। और इस दर्शन के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हमारे दृष्टि में दृष्टा दृश्य दर्शन इस त्रिपुटी का महत्व खत्म हो करके जिसके कारण ये त्रिपुटी की सिद्धि हो रही है उसके तरफ हमारी बुद्धि जावे। उसके तरफ बुद्धि जाने के लिए केवल एक दो चीज करने की आवश्यकता है और वो एक चीज ये है कि अपने मन को ज्यादा भाव नहीं दे। हम लोग अपने मन को बहुत भाव देते हैं। कैसे भाव देते हैं? मन में कभी इमोशन आती है और बाहर कमोशन आता है। आई बिकम सी। तो इस इमोशन को कमोशन में प्यूट्रीफाई होने से बचाना माने आध्यात्मिक जीवन जीना, पहली बात। दूसरी बात, जिस ज्ञान के होने में विचारों की आवश्यकता है, वृत्ति ज्ञान, वह ज्ञान हमेशा द्वैत की सिद्धि करेगा। तो अपने ज्ञान से वृत्तियों को निकालना है माने क्या करना है? सबसे सिंपल टेक्निक हम आपको बता दें, वो टेक्निक ये है, किसी भी चीज के बारे में प्रश्न पूछना बंद कर दें। ये ऐसा क्यों है, ऐसा ही खत्म। आप देखो, किसी भी चीज के बारे में प्रश्न पूछना बंद करने से मालूम है क्या होगा? हम जगत को जैसा है बिना कारण से स्वीकार करना प्रारंभ करेंगे। जैसा हमने अपने आप को बिना पूछ के स्वीकार किया है, कभी हमने ये प्रश्न पूछा है कि मैं क्यों हूं? जब हम अपने आप को बिना कारण से, बिना कॉज एंड इफेक्ट से स्वीकार करते हैं तब हमारी असलियत है। तो इस जगत में सत्य का दर्शन करना है तो इस जगत के सब चीजों को, सब व्यक्तियों को जो जैसा है वैसा स्वीकार करना प्रारंभ कर दे। अविरोध स्वीकृति, मुंडकोपनिषद में विचार आता है, ब्रह्मविद भवति नातिवादी। ज्ञानी पुरुष वो होते हैं कि जो किसी भी चीज को लेकर के अड़ेल टट्टू नहीं बन जाते। हम लोग छोटी छोटी चीज में कितने अड़ जाते हैं और उस अड़ने के कारण ही हमारा दुराग्रह बन जाता है। अब ये चीज बताने के बाद कहते हैं, आरशाने हो का दाविले तरी मुखची मुखे देखिले तो न दावी तरी संचली मुखची मुखी। आईने ने दिखाया इसलिए मुझे भी लगता है कि मेरा चेहरा है। जब तक के द्वैत नहीं होगा, दृष्टा नहीं होगा, तो मैं जब तक दृश्य नहीं होगा तब तक मैं दृष्टा हूं ये कैसे समझ में आएगा? ये तो ऐसे ही कहना है कि जब तक के आईने ने हमारे मुख का प्रतिबिंब नहीं दिखाया तब तक मेरा मुख है ये कैसा पता चलेगा? तो न दावी तरी संचले मुख ची मुखी, माने अपने चेहरे के होने में द्वैत की अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमारा चेहरा दर्पण में द्वैत के रूप में अभिव्यक्त होने के बाद भी अद्वैत की हानि नहीं हुई। तीसरी बात, यह जो हमारा चेहरा है यह नित्य अद्वैत में रहते हुए भी द्वैत में अभिव्यक्त हो सकता है, ये उसका फ्रीडम है। ये जब समझ में आएगी बात तब हमने अपने स्वरूप को देखा। तैसे दाविते नाही तरी हाची ययाची ठाई ना दाविला तरी ही हाची यया। इसलिए चाहे ये परमात्मा तत्व द्वैत के रूप में माने जागृत स्वप्न इस रूप में अभिव्यक्त हो, चाहे द्वैत का अभाव सुषुप्ति इस रूप में अभिव्यक्त हो, इनके द्वारा द्वैत में ना, अद्वैत में ना तो कभी हानि आई है ना तो इसमें किसी भी प्रकार की एडिशन या सब्सट्रैक्शन हुआ है। जैसे लहरें आने से
समुद्र की कीमत नहीं बढ़ती, उसकी साइज नहीं बढ़ती, या लहरें खत्म हो जाने से उसका कोई नुकसान नहीं होता। उसी प्रकार से सच्चिदानंद परमात्मा पर जागृत स्वप्न इनकी जब लहरें उठती है तो किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ, और सुषुप्ति अवस्था में इनका अभाव होने के कारण किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। तरी हाची ययाचे थाई, इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति आवे या चले जावे, लेकिन यह जो तत्व है ये ज्यों का त्यों। ना दाविला तरी ही हाची यया, इसीलिए चाहे जागृत रहे, स्वप्न रहे, सुषुप्ति रहे, इन सब में एकमात्र तत्व है। यहां जिसकी दृष्टि चली गई उस व्यक्ति के जीवन में एक भिन्न सवेरा निगाह में उकल आता है। जागृति दाविला का निद्रा हारविला परी जैसा ये कला पुरुष पुरुषी, जो व्यक्ति जागृत अवस्था में देखा था सुषुप्ति अवस्था में गायब हो गया, निद्रा हरविला परी जैसा ये कला पुरुष पुरुषी, माने जागृत अवस्था में कोई पुरुष पैदा नहीं होता और सुषुप्ति अवस्था में कोई मरता नहीं, उसी प्रकार से इस द्वैत में दृष्टा का होना और द्वैत के अभाव में दृष्टा का न होना, इसके द्वारा आज तक ना तो किसी का जन्म हुआ है ना तो किसी की मृत्यु। इसको हमारे गौड़पादाचार्य अजातवाद के रूप में गौड़पाद कारिका में प्रस्तुत करते हैं। का रायाते तू रावो ऐसा दाविजे प्रत्ययो तरी ठाए ठावो राजा ची असे, क्या यदि किसी ने कहा कि ए राजा साहब, हाँ जी आप राजा है, तो किसी के कहने से वो राजा बना क्या, तो राजा है ही। अब दूसरा उदाहरण, ना तरी राय पण राया ना निजे की प्रत्यया, यदि किसी ने राजा को राजा नहीं कहा, ना तरी राय पण राया ना निजे की प्रत्यया तरी काही उन्हें तया माजी असे, माने इसको हम इस प्रकार से समझे, राजा को राजा कहने से कुछ लाभ नहीं है, और जो राजा है उसको राजा न कहो तो कुछ हानि नहीं है। अब इसको अपने जीवन में उतारे, हमारा बड़प्पन जब किसी के कहने से होता है तो उसकी हानि जरूर होगी, है ना। सभी कहते हैं कि हम बड़े हैं, लेकिन महाराज बड़े ये एडजेक्टिव है, बड़े क्या है, बड़े मूर्ख है, अपना बड़प्पन लोगों के कहने से होता है, तो ऐसे ही लोग दूसरे के कहने से छोटे भी बन जाते हैं। हमने आपको एक बार हमारे स्वामी अखंडानंद जी की बात बताई थी, एक बार उनको जब ले जाना था किसी यज्ञ के लिए उद्घाटन करने के लिए, तो हमने कहा कि हम आ जाएंगे स्वामी जी आपको लेने के लिए, उन्होंने बिल्कुल अपनी सहज अवस्था में हमेशा रहते थे कह दिया, देखो बेटा आपके आने से हम बड़े होने वाले नहीं है, और आप नहीं आओगे लेने के लिए तो हम छोटे होने वाले नहीं, हम तो अपनी महानता से बड़े है देखो। और हम आम पब्लिक का क्या होता है, जब तक के सर्टिफिकेट नहीं होता, मान पत्र, मान पत्र माने तू मान या मान पत्र दे का राया ते तू रावो ऐसा दाविजे प्रत्यय तरी थाए थावो राजा सी असे, ना करी राय पण राया ना निजे की प्रत्यया तरी काही उने तया माजी असे। यह जो अपना स्वरूप है इसको सिद्ध करने के लिए ये कहने की जरूरत नहीं सच्चिदानंद महाराज की जय, कोई जरूरत नहीं कहने, क्योंकि पहले इन तीन शब्दों का सत्यानाश हो चुका है। ज्ञानेश्वर महाराज ने किसी को नहीं छोड़ा, और आगे कहते हैं, तैसे दाविता न दाविता हा गया परवता चढ़े ना टूटे आईता असतची असे।
तैसे दाविता न दाविता, चाहे यह परमात्मा तत्व अपने ऐश्वर्य का आधार लेकर के द्वैत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा हो, दाविता या न दाविता, अपने सभी ऐश्वर्य को अपने में छुपा कर को माने छुप गया है, योग की स्थिति में है, तैसे दाविता न दाविता हा यया परवता, ये अपने ही जैसा है और इसीलिए चढ़े ना टूटे, इसमें चढ़े माने किसी प्रकार का कुछ ऐड नहीं किया जा सकता, टूटे माने इसमें से कुछ घटाया नहीं जा सकता। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, फिर क्या है, असत अचि असे, इट इज सेल्फ डिटरमिन्ड एग्जिस्टेंस, जो हो करके होता है माने किसी के कारण नहीं होता, तो हाँ असत अचि असे। इस प्रकार से यहां इस तत्व का ही सब सौंदर्य है, चाहे जगत के द्वैत के रूप में ले, चाहे द्वैत का अभाव सुषुप्ति के रूप में ले, चाहे जागरण स्वप्न सुषुप्ति इनके परे तुरिया की स्थिति में ले, इन सब में केवल एकमात्र परमात्मा तत्व है, और क्योंकि ये संपूर्ण उसी एक परमात्मा तत्व की अभिव्यक्ति है और इसीलिए इस जगत का कारण अज्ञान नहीं है, परमात्मा मात्र है। ये बात भी आप जैसे सुवर्ण के आभूषणों में यदि हमको सुवर्ण नजर न आवे तो वो सुवर्ण की हानि नहीं है, सुवर्ण का दोष नहीं है, उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत केवल अपने ही सौंदर्य का विलास है। इतना होते हुए भी यदि हमको अपने सौंदर्य को देखकर भी प्रेम नहीं आता तो हमको एसिडिटी हो गई, दूसरा कोई कारण नहीं। इसलिए जगत में रह करके कड़वाहटपना, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं। अच्छा, यहां आने के बाद यहां से 230वें ओवी से विचार थोड़ा बदलता है। तरीका निमित्तमिसे हा ययाते दाऊ बैसे, देखते नाही तय आरिसे देखावे कोणी। कहते हैं ये बड़ा सुंदर दृष्टांत है। हा का निमित्तमिसे हा ययाते दाऊ बैसे, यह परमात्मा अपने आप को कैसे दिखाता है, कोई निमित्त ढूंढता है। कैसे हम अपने आप को कैसा देखते हैं, हम अपना चेहरा ले जाते हैं आईने के सामने खड़ा करते हैं, तो हमारा चेहरा हो गया बिंब, आईना हो गया एक मीडियम उपाधि, और उसमें जो चेहरा निकला वो हो गया प्रतिबिंब। लेकिन ये तीनों की सिद्धि किसके कारण होती है, अपने मुख को, आईने को और प्रतिबिंब को जो देखने वाला है वो इन तीनों से परे है, और इसी के कारण इस द्वैत की सिद्धि हो रही है। उसी प्रकार से तरीका निमित्तमिसे हा ययाते दाऊ वैसे, देखते नाही तई आरिसे देखावे कोणी। यदि कोई देखने वाला ना हो, जैसे हम जैसे आईने के सामने खड़े रहते और खड़े रह करके अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न भाव प्रदर्शित करते हैं, है ना, आप उसी प्रकार से यदि वहां एक पत्थर को रख दे तो पत्थर में दृष्टा न होने के कारण उसका प्रतिबिंब हो रहा है, इसकी कोई सिद्धि होती है क्या, नहीं। माने इस जगत के द्वैत के सिद्धि के पीछे जो तत्व है उसका द्वैत के रूप में अभिव्यक्त होना न होना, इससे कोई मतलब नहीं, पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, द्वैत के रूप में अभिव्यक्त होने के बाद उसमें किसी प्रकार की एडिशन नहीं है, और सुषुप्ति अवस्था में द्वैत का अभाव होने के कारण उसमें किसी प्रकार की हानि नहीं है। ऐसा जो हानि लाभ रहित सहज सत्व है वही अपना स्वरूप है, इसमें किसी भी प्रकार के अज्ञान इत्यादि का कार्य नहीं है। अब इस तत्व को आत्म रूप में स्वीकार करने की जो प्रक्रिया है वो बताते हैं। दीपदावी तयाते रची,
की तेने सिद्धि दीपाची सत्ता निमित्ताची येने साच। किसी व्यक्ति ने एक कमरे में जाकर के दीपक जलाया। अब प्रश्न उठाते हैं, इस दीपक ने उस व्यक्ति को सिद्ध किया कि इस व्यक्ति ने दीपक को सिद्ध किया? तो हमारी स्थूल दृष्टि होगी तो हम कहेंगे कि उस दीपक के कारण ये व्यक्ति सिद्ध हुआ क्योंकि इसका चेहरा दिखा। लेकिन उस दीपक में प्रकाश डालने वाला कौन था? ये व्यक्ति था। और इसीलिए इस व्यक्ति के कारण उस दीपक की सिद्धि है, दीपक के कारण व्यक्ति की सिद्धि नहीं है। उसी प्रकार से इस जगत में दृष्टा दृश्य के रूप में भले ही दृष्टा दृश्य का द्वैत हो, लेकिन इन दोनों में दृष्टा महत्व का है और उस दृष्टे का जो स्वरूप है स्वयं प्रकाशित वो अपना है। और इसीलिए यह ऐसा द्वैत है कि जिसमें द्वैत होते हुए भी अद्वैत की हानि नहीं। ये बताने के लिए दो तीन उदाहरण देते। वन्नी ते वन्नी शिखा प्रकाशी कीर देखा परी वन्नी न होनी लेखा ये ही लगाई। अग्नि का अस्तित्व हम जानते हैं जब अग्नि प्रज्वलित होकर के अभिव्यक्त होता है, और यदि अग्नि प्रज्वलित करके अभिव्यक्त ना होवे तो क्या हम ये कहेंगे अग्नि का अभाव है? नहीं। उसी प्रकार से जब इस द्वैत के रूप में अद्वैत तत्व की अभिव्यक्ति नहीं होती तब इस अद्वैत तत्व का अभाव थोड़ी ही होता है। तो यह जो अभावात्मक भाव है, जो न द्वैत में रहते हुए अद्वैत की जो स्थिति है, वो ऐसी स्थिति है कि जिसमें द्वैत का और अद्वैत का दोनों का प्रभाव नहीं, ये दोनों शब्दों के परे है। वन्नी ते वन्नी शिखा प्रकाशी कीर देखा परी वन्नी न होनी लेखा ये इलकाई। और उदाहरण देते, आणि निमित्त जे बोलावे ते येने दिशोनी दावावे तरी देखिले स्वभावे दृश्य ही हा। और जिस कारण से निमित्त जे बोलावे, जिस निमित्त से हमने द्वैत की सिद्धि करी, कौन से निमित्त से? दृष्टा जब दृश्य को देखता है तो द्वैत की सिद्धि होती है। तो दृश्य बन गया निमित्त और इस दृष्टा की सिद्धि हमने दृश्य के कारण करी। लेकिन देखिले तरी स्वभावे दृश्य ही हा, यही परमात्मा तत्व दृश्य के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। और इसलिए यह जो कहना कि दृष्टा की सिद्धि दृश्य के कारण और दृश्य की सिद्धि दृष्टा के कारण, ये दोनों बातें गलत है। दोनों जिसके कारण है वो चाहो तो कहो दोनों है, चाहो तो कहो दोनों नहीं है। मनोनी स्वयं प्रकाशायया आपणवे देखावया निमित्त वाचुनिया नाही समा। और इसीलिए अपने आप को देखने के लिए किसी भी निमित्त की कोई आवश्यकता नहीं। जो निर्निमित्त अस्तित्व है, जो किसी भी प्रमाण का विषय नहीं है, जो अपनी स्वयं सत्ता में स्वयंभू है, वह अपना स्वरूप। भलते न विन्यासे देखत तेने चीदिसे हा वाचोनी नसे ये थे काही। भलते न विन्यासे, दूसरे के न होते हुए भी दिशत तेने ची दिशे, जब हमारे दृष्टि में द्वैत का दर्शन होते हुए भी दूसरेपन की भावना नहीं हुई, हा वाचोनी नसे ये थे काही, तब समझ में आता है कि इस तत्व के सिवा और दूसरा यहाँ कुछ है ही नहीं। ये कैसा उदाहरण देते हैं, लेने आनी भांगारे भांगारची एक स्फुरे काजे जेथ दूसरे नाही च भणोनी। जब हम सुवर्ण के आभूषण देखते हैं तो होता असल में सुवर्ण ही है। उसी प्रकार से जब हम द्वैत का जगत देखते हैं तो यह संपूर्ण द्वैत केवल एक अद्वैत तत्व मात्र है। लेकिन जिसकी दृष्टि आभूषणों में फंस गई है वो सोने को मिस कर जाता है। यह जो कवरिंग की प्रक्रिया है, भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं मांडुक्य कारिका में कि तत्व का आच्छादन अनायास हो जाता है द्वैत के द्वारा। कैसे? दो चार उदाहरण है। जैसे
सुवर्ण का आच्छादन हो जाता है सुवर्ण के आभूषणों के द्वारा, या दूसरे शब्दों में कहे कि चैतन्य का आच्छादन हो जाता है वृत्तियों के द्वारा, या आदमी का आच्छादन हो जाता है पति के द्वारा। ये उदाहरण जल्दी समझ में आता है, स्वानुभूति है। दूसरा क्या है, तो ये पति का आच्छादन जिसने आदमी को छुपा दिया है उसको निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा? दैट डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द वाइफ। वाइफ में भी लाइट वेटेड, लेकिन निकलता नहीं जल्दी। तो इसी प्रकार से सूर्य पर उसके प्रकाश का आच्छादन है। माने क्या, जब तक हम सूर्य और उसका प्रकाश इनको भिन्न भिन्न स्वीकार करेंगे तब तक के सूर्य का असली रूप हमको समझ में नहीं आया। जब तक हम सुवर्ण और सुवर्ण के आभूषण इनको अलग अलग से स्वीकार करेंगे तब तक के सुवर्ण का दर्शन नहीं हुआ। जब तक के चैतन्य और वृत्तियां इनको हम भिन्न भिन्न स्वीकार करेंगे तब तक चैतन्य का दर्शन नहीं होगा। तो करना क्या है, वृत्तियों को आने दो, लेकिन वृत्तियों के प्रभाव में जब हम नहीं रहेंगे तब हम चैतन्य के साथ नित्य एक है। सुवर्ण को आभूषणों के रूप में रहने दो, उससे सुवर्ण की कोई हानि नहीं है। उसी प्रकार से जब हम अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि वृत्तियों के द्वारा अप्रभावित होकर के नित्य निरंतर रहते हैं तब यह अपना स्वरूप संपूर्णता से हमको प्राप्त हो गया। आगे उदाहरण लेते हैं, ज तरंगी दोही ज वाचूनी नाही मनोनी आन काही नाही तनो है। यदि ये कहे कि पानी को तरंगों ने ढक दिया है, ढक दिया है, तो पानी को देखने के लिए इन तरंगों को निकालने के लिए कोई फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ेगा क्या? नहीं। क्यों? कि जिसको हम तरंग कह रहे हैं वो पानी ही है। उसी प्रकार से जिसको हम द्वैत कहते हैं वो अद्वैत ही है। जिसको हम दृश्य जड़ कहते हैं वही दृष्टा चैतन्य ही है। श्री कृष्णा, लेने आनी भांगारे भांगारची एक स्पुरे काजे तदुसरे नाही मनोनी ज तरंग दोनी जा वासोनी नाही मनोनी आन काही नाही नानो हे। हो का घ्राणानुमेयो येवो का हाथी घेवो लाभो का दिठी पाहो भलत ऐसे परी कापुराचा ठाई कापुरा वाचूनी नाही तैसा रीति भलत याही हाची यया। चाहे कर्पूर की सिद्धि घ्राणानुमेय सुगंध के द्वारा करे, चाहे कर्पूर की सिद्धि हाथ में उसकी कोमलता को लेकर के करे, लाहो का दिठी पाहो या ये कर्पूर की सिद्धि शुभ्र सफेद जो उसका रंग है उसके द्वारा करे, परी कापुराचा ठाई लेकिन इस कर्पूर में कर्पूरा वासुनी नाही उस कर्पूर के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। माने कि जो तीन गुण कर्पूर पर छादे गए हैं कि वह सुगंधित है या सफेद रंग का है या स्पर्श करने में नरम है, ये सभी के सभी तीन गुण उस कर्पूर को जैसे ढक देते हैं, उसी प्रकार से यह द्वैत ने इस परमात्म तत्व को ढक दिया है। कहने का तात्पर्य क्या है, क्या कर्पूर का सुगंध कर्पूर से भिन्न रह सकता है? नहीं। माने सुगंध कर्पूर की अभिव्यक्ति है ऐश्वर्य के रूप में, विभूति के रूप में। उसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत जो द्वैत है, क्या ये द्वैत जगत अद्वैत सत्ता के सिवा रह सकता क्या? बोले नहीं। तो जगत क्या है फिर? इस अद्वैत सत्ता की विभूति है, और इसीलिए इस संपूर्ण जगत की सिद्धि केवल अद्वैत तत्व के कारण है, अज्ञान के कारण नहीं। ये जगत अज्ञान का कार्य बिल्कुल नहीं। परी कापुरा चाठाई कापुरा वाचुनी नाही तैसा रीति भलतया ही हाची जया।
इसी प्रकार से किसी भी रूप में उसको रहने दे, चाहे दृष्टा के रूप में, चाहे दृश्य के रूप में, चाहे दर्शन के रूप में, यही एकमात्र तत्व है। इसमें किसी भी प्रकार के दूसरे तत्व का, अज्ञान का आना संभव नहीं है। और इसलिए फिर आगे एक सिद्धांत बताते हैं, आता दृश्यपणे दिशो का दृष्टा होनी असो परी हा वाचुनी अतिशो नाही एथ। देखो संतो, भगवान ज्ञानेश्वर महाराज भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे, दोनों का जन्म जन्माष्टमी को ही हुआ था। ज्ञानेश्वर महाराज का भी जन्म जन्माष्टमी को ही हुआ था। और जो शब्द भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के सातवें अध्याय में कहे, वही शब्द ज्ञानेश्वर महाराज यहाँ मराठी भाषा में कहते हैं। उन्होंने वहां कहा था कि मत्तहा परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। इस श्लोक पर भगवान ज्ञानेश्वर महाराज की कमेंट्री ये बताती है कि जैसे सुवर्ण के मणियों को सुवर्ण के धागों में पिरोने से जो माला तैयार होती है उसमें आधार आधेय भाव दिखता है कि सभी सुवर्ण के मणियों को सुवर्ण के धागे ने पकड़ के रखा है, लेकिन क्या धागा और मणि दो भिन्न चीजें हैं? नहीं। उसी प्रकार से यहां बताते हैं, यह जो संपूर्ण जगत है, मत्तहा परतरम मेरे से बढ़कर के, मत्तहा अन्यत मेरे से दूसरा, और मत्तहा किंचित मेरे से घटिया, न अस्ति धनंजय माने एकमेवा द्वितीय, जिसमें श्रेष्ठ कनिष्ठ या प्रमेय कंपैरिजन के लिए दूसरा कुछ है ही नहीं। यही बात भगवान यहां कहते हैं, आता दृश्यपणे दिशो, चाहे इस तत्व का दर्शन हमको दृश्य के रूप में होवे, हा दृष्टा होनी असो, या यह दृष्टा के रूप में रहे, परी वाचोनी हा अतिशो, इसके सिवा बढ़कर के और कुछ भी नहीं है। अत्यतिष्ठ दशांगुलम। इसलिए भगवान दसवें और ग्यारहवें अध्याय में इन दो चीजों का प्रतिपादन करते हैं। दसवें अध्याय में अनेकता में एकता का दर्शन करवाते हैं, और ग्यारहवें अध्याय में एक में ही अनेकता कैसे संभव है ये बताते, और इन दोनों का आधार है नवे अध्याय का प्रतिज्ञा वाक्य कि पश्चमे योगमैश्वरम। इन तीनों चीजों का जब स्पष्ट रूप से ज्ञान हो जाता है तब हमको ज्ञानेश्वर महाराज की बात समझ में आएगी, नहीं तो हम इसी चक्कर में पड़ेंगे कि हमको अज्ञान का नाश करना है, ये द्वैत बड़ा कष्ट दे रहा है, आज तक इस द्वैत को कोई नहीं मिटा सका। क्योंकि जिसको हम अद्वैत द्वैत कर रहे हैं वो अद्वैत के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, तो द्वैत केवल शब्द मात्र है, तो जो शब्द मात्र है उसका किसी भी प्रकार से नाश नहीं हो सकता। इसलिए ये सिद्धांत समझ ले कि दृश्यपणे दिशो का दृष्टा होनी असो परि हा वाचुनी अतिशो नाही एथ। इस जगत में या इसमें मत्तहा परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा इसमें और कुछ नहीं। फिर उदाहरण देते हैं, गंगा गंगा पणे वाहो का सिंधु हो नी राहो पानी पणा न वलावो न देखो की। चाहे गंगा जी को आप गंगा कह करके बहने दो या समुद्र को समुद्र कह के रहने दो, लेकिन दोनों की असलियत पानी, यह अद्वैत तत्व है, इसमें कभी भी हानि नहीं होगी। इसी प्रकार से चाहे दृष्टा के रूप में, चाहे दृश्य के रूप में, चाहे इनके द्वैत के व्यापार के रूप में, इस अद्वैत तत्व की हानि आज तक ना कभी हुई है ना होगी। फिर उदाहरण देते हैं, खिजावे की विघरावे हे अप्रयोजक आघवे घृत पण नवे अनारिसे। चाहे घी जमा हुआ रहे या पिघला हुआ रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, घी घी ही रहता है। उसी प्रकार से जब यह परमात्मा तत्व का घी जब सॉलिड बन जाता है तब जागृत अवस्था, जब लिक्विड रहता है तब
हो जाती है सुषुप्ति अवस्था। तो यह जागर स्वप्न सॉलिडिफिकेशन नाम की और सुषुप्ति जो है ये पिघला हुआ घी, लेकिन इसके कारण घी ज्यों का त्यों हो, चाहे वो दृष्टा के रूप में रहे दृश्य के रूप में रहे। ज्वाला आनी वन्नी न लेखी जेती दोन्नी वन्नी मात्र भणोनी आन नाभेची। ज्वाला माने फ्लेम्स और वन्नी माने अग्नि। जब हम अग्नि की ज्वालाएं देखते हैं तो क्या दो तत्व की बातें हो रही है? देखो ऐसे उदाहरण भगवान ने प्रथम अध्याय में दिए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि शिव शक्ति समावेश, शक्ति और शक्तिमान दोनों का भिन्न निर्देश होते हुए भी शक्ति शक्तिमान एक दूसरे से भिन्न नहीं होते। जैसे अग्नि और अग्नि की शक्ति दाहिका, यहाँ उदाहरण जो दिया है ज्वाला आनी वन्नी, वन्नी माने अग्नि और ज्वाला माने उसकी ज्वालाएं। जिस प्रकार से ज्वाला आनी वन्नी न लेखी जेती दोनी, इनको दो शब्दों के द्वारा हम अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन होता एक ही है। क्या होता है? वन्नी मात्र मनोनी, माने जब उसको हम अव्यक्त कहेंगे तब वन्नी कहेंगे, और जब अभिव्यक्त कहेंगे तब उसको ज्वाला कहेंगे। तो वह परमात्म तत्व अव्यक्त रूप में इस जगत का आधार, और इसी को कहेंगे योग की स्थिति। और वही परमात्म तत्व इस जगत में द्वैत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, ये परमात्मा की विभूति। इस प्रकार से द्वैत और अद्वैत इन दोनों में रहते हुए जो ना तो कभी द्वैत हुआ, क्योंकि कभी वो अद्वैत था ही नहीं। अद्वैत भी इसलिए कहते हैं ना क्योंकि द्वैत का निराकरण करने के लिए। इसलिए ज्वाला आनी वन्नी न लेखी जेती दोन्नी वन्नी मात्र मनोनी आनची नवे। तैसे दृश्य का दृष्टा या दोन्नी दशा वांझटा। इस प्रकार से चाहे दृष्टा कहो या दृश्य कहो, दोनों बकवास। तैसे दृश्य का दृष्टा दोन्नी दशा वांझटा, पहाता एक ही काष्ठा स्फूर्ति मात्र। जो यह दोनों दशाएं जो है दृष्टा दृश्य, इन दोनों का एकत्रीकरण होता है केवल स्फुरणामय। यह जो स्फुरणात्मक मैं हूं, इसमें दृष्टा दृश्य के रूप में केवल एक ही तत्व है। ये स्फूर्ति कड़ोनी नाही स्फूर्ति मात्र वाचुनी तरी काय देखोनी देखता से। ये स्फूर्ति कड़ोनी मीनिंग वेन यू लुक एट द वर्ल्ड फ्रॉम द एब्सोल्यूट स्टैंड पॉइंट, स्फूर्ति कड़ोनी इस पुरना के दृष्टि से जब जगत का दर्शन करे, स्फूर्ति करोनी कड़ोनी ना ही स्फूर्ति मात्र वाचुनी। हम जल के दृष्टि से, पानी के दृष्टि से यदि समुद्र और लहरें इनका दर्शन करे तो हमको क्या नजर आएगा? केवल पानी मात्र। और यदि लहर के दृष्टि से समुद्र और पानी का दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे तो लहर को इतना बड़ा समुद्र देख करके डर लगने लगेगा, और पानी का दर्शन लहर को कभी हो ही नहीं सकेगा, और फिर कहेंगे न अस्ति न भाति इति, ना तो पानी है ना तो उसका दर्शन होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो लहर है अपने नाम रूप में इतनी फंस गई है कि अपने स्वरूप का उसको दर्शन नहीं हो रहा। इसीलिए ये स्फूर्ति कड़ोनी वेन वी लुक एट द वर्ल्ड फ्रॉम द एब्सोल्यूट स्टैंड पॉइंट अदर देन द प्योर सेल्फ नथिंग एल्स इज। इसीलिए संपूर्ण जो अध्यात्म शास्त्र का चिंतन है ये केवल इन दो दृष्टियों का युद्ध है। जो द्वैतवादी है ये द्वैत में रह करके अद्वैत का खंडन करने का प्रयत्न करते हैं, और जो अद्वैतवादी है, अद्वैत नहीं, जैसे द्वैतवादी है वैसे ही अद्वैतवादी ही है, ये केवल वाद विवाद करते और अपने अद्वैत को सिद्ध करने के लिए फिर बीच में अविद्या को ले आते हैं, माया को ले आते हैं और वहां झंझट खड़ी कर देते हैं। लेकिन जो अद्वैत तत्व है वहां ना तो द्वैत का तिरस्कार है ना तो अद्वैत का दुराग्रह है।
जो द्वैत का तिरस्कार और अद्वैत का दुराग्रह इसके परे है वह है अद्वैत तत्व, वह अद्वैतवाद नहीं है। जहां वाद होगा वहां बाद हो जाएगा, बचेगा केवल अद्वैत। ये स्फूर्ति करूणी ना ही स्फूर्ति मात्र वाचोनी तरी काय देखोनी देखत से। इसलिए पानी जब समुद्र को देखेगा तो उसको पानी के सिवा दूसरा थोड़ी कोई नजर आएगा। उसी प्रकार से अद्वैत के दृष्टि से जगत का दर्शन करो तो यहाँ दृष्टा दृश्य दर्शन इस त्रिपुटी का कहीं भी अस्तित्व नहीं है, केवल एकमात्र तत्व है। इस सब का तात्पर्य क्या निकला? एक ही तात्पर्य निकला। हमने आपको जो एक बढ़िया शेर सुनाया था, हमारे सरदारों का ट्रक पर लिखा हुआ, बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले। इसमें सब कुछ आ गया है। जब तक के हम अपनी नजर को नहीं बदलेंगे, और नजर को बदलने के लिए करना क्या पड़ता है? एक जीवन से दुराग्रह को निकाल डाले, किसी भी चीज को लेकर के दुराग्रह ना करे। एक अम्मा को हम जानते हैं, काफी बड़ी उम्र की, वो 80 साल की, और उनके पति देव भी है 2-4 साल बड़े उनसे, और उनके पति देव बिल्कुल मानी हुई चीज है कि बहुत ही जिद्दी और बहुत ही भयानक प्रकृति के हैं। उनके साथ कोई नहीं टिका आज तक, लेकिन वो अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं। तो सभी उनको पूछते हैं कि मम्मी तुमने डैडी को कैसे जीत लिया? तो कहती है उनको जीतने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि अपन हार जाओ। अब देखो और ज्ञान ज्ञान क्या चीज होता है। जब वे दिन को 12 बजे कहते हैं कि हे चंद्रमुखी चंद्रमा को देखो, तो मैं चंद्रमा की तारीफ करती हूं। देखो जिस दिन अपने अंतकरण से दुराग्रह खत्म होगा उसी क्षण परमात्मा का दर्शन हो गया। सामने खुल्लम खुल्ला भगवान खड़ा है और हम कहते हैं स्त्री है पुरुष है। अब भगवान क्या करे? ठीक है तो है, देखते रहो। परमात्मा ही सब रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन हमको दिखने को क्यों नहीं आता? अरे महाराज चश्मा बदलो, नंबर गलत है ना? रात का समय है और तुमने गॉगल पहन कर रखा है। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। अज्ञान के कारण कभी आज तक तो कुछ किसी को प्रॉब्लम निर्माण नहीं हुआ। प्रॉब्लम निर्माण हुआ है ज्ञान के कारण, और वो भी ज्ञान को सा कॉमन नॉलेज नहीं, जनरल नॉलेज नहीं, स्पेसिफिक नॉलेज। ये स्त्री है ये पुरुष है, ये सुंदर है ये असुंदर है, ये जवान है ये बूढ़ा है, ये इंटेलिजेंट है ये इंटेलिजेंट नहीं है, ये अमीर है ये गरीब है, ये सभी के सभी विशेष ज्ञान ही जो सामान्य तत्व है उसको छुपा देता है। जब ज्ञान की विशेषता समाप्त हो जाती है तो सामान्य ज्ञान अभिव्यक्त होने लग जाता है। सामान्य ज्ञान क्या है? बच्चे में रह करके जिसने बचपने को प्रकाशित किया, जवान में रह करके जिसने यौवन को प्रकाशित किया, बुढ़ापे में रह करके जिसने बुढ़ापे को प्रकाशित किया, लेकिन जिसने बचपन में रहते हुए भी बचपना कभी नहीं आया, यौवन में रहते हुए भी गर्मी कभी नहीं चढ़ी, और बुढ़ापे में रहते हुए भी चिंता का शिकार नोट जो नहीं बना, वह सामान्य ज्ञान ही अपनी असलियत है। इसलिए इन सब चीजों से निकलने के लिए 2-4 चीजें जीवन में ले आवे तो अभी के अभी हमारे ज्ञानेश्वर महाराज ने जिस अनुभव के अमृत की बात करी है वह सबका हमारा अपना ही है। साधु संतों को इस दुनिया में देख करके, दुखी लोगों को देख करके कि दुख क्यों नहीं होता, ये हमको एक बार एक युवा केंद्र के लड़के ने पूछा कि जब ये संत लोग दुनिया में घूमते हैं तो अन्य जगह में दुख देखते हैं, उनको दुख क्यों नहीं होता? तो उस समय हमारे दिमाग में ऐसा उत्तर आया, हमने कहा इसलिए कि संत लोग दुखी को देखते ही नहीं,
वो उस दुखी में जो परमात्मा है उसका दर्शन कर रहे हैं, और जब उसका दर्शन करते हैं तो मन ही मन हंसते हैं, परमात्मा झूठ झूठ नाटक खेल रहे हो मुझे चिढ़ाने के लिए, ट्राई करो। देखो यह जो दृष्टि है, इस दृष्टि के कारण ही सब जगत की परसेप्शन बदल जाती है। बस इस दृष्टि को बदलना ही इस अमृतानुभव का एकमात्र उद्देश्य। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। इस समय हम सबके अंतकरण की जो स्थिति है उसमें मुझे कुछ समझ में आया या मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये दोनों भाव एकदम अभाव है। ना तो कुछ प्राप्त करने का आनंद है, ना तो कुछ खोने का दुख है, ना तो द्वैत के अनुभूति का द्विधा भाव है, ना तो अद्वैत में द्वैत का अभाव है। यह सहज स्वाभाविक स्थिति, किसको कहेंगे, पश्चमे योगमहेश्वरम एताम विभूतिम योगंश एवं यो वेत्ति तत्वतः। अव्यक्त में योग की स्थिति और अभिव्यक्त में विभूति की स्थिति, इन दोनों स्थितियों से ना तो जो कभी योगी बना है, ना तो जिसका कोई ऐश्वर्य है, ऐसा इन सब के परे मैं जो का त्यों हूं। इस अविकम्प योग में हम सबको ले जाने के लिए भगवान इस विचारधारा को दे रहे हैं। व्यक्तित्व का निर्माण शुरू हो जाएगा, प्रयत्न प्रारंभ होंगे, प्रयत्न की शुरुआत होती है संकल्प विकल्प से। संकल्प विकल्प आते हैं जब कुछ करना और बाकी है, इसलिए जिसको ना तो कुछ पाना है ना तो कुछ खोना है, उसमें काहे के संकल्प विकल्प। और यदि आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण।